शिवपुरी जिले के सत्तरमाड़ा थाना क्षेत्र कुलती ढाबा के पास शनिवार रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। घटना के बाद घायल को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने आज रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के अनुसार महेशपुर में रहने वाला छत्रपाल धाकड़ पुत्र कैलाश धाकड़ शिवपुरी में किसी कंपनी में सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। ड्यूटी करने के बाद वह बाइक पर सवार होकर अपने गांव के लिए निकला था। कुलदीप ढाबा के पास फोर लेन हाईवे पर उसकी बाइक में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहाँ रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। भाई साहब का ये मृतक कौन है आपका, क्या नाम है इनका, क्या हुआ था इनके साथ में? इनके साथ में मेरे को तो पता नहीं है। कहाँ से कहाँ आ रहे थे ये लोग? ये शिवपुरी से घर जा रहे थे। शिवपुरी किस काम से आते हैं? कंपनी में काम करते हैं। किस काम में? कंपनी में काम करते हैं। मोतिल सेक्टर साइड। किस पद पे हैं? किस पद पे हैं? सेल्स ऑफिसर। तो फिर आपको सूचना क्या लगी, आपको मतलब हादसे की जानकारी क्या क्या लगी? हमको तो कोई जानकारी नहीं मिली, हमको फोन आया है इसका, जैसे मैं घर से आया हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आकर मुझे पता चला। तो डॉक्टर ने आकर मृत घोषित कर दिया उन्हें, और उसका पता लगा रहे हैं कि किस गाड़ी से क्या एक्सीडेंट हुआ कि क्या नहीं है। अच्छा, कोई गाड़ी वाला पता होता तो पता ही देते। तो आपको कौन लेके आया था इनको? गाड़ी वाले ने दिया। इनको तो भैया लेके आए थे। आपके मिलने वाले हैं? ये मिलने वाले हैं, ये लेके आए थे इनको। अच्छा, इन्होंने जाके वहाँ स्पॉट पे पहुंच के सकल पहचानने के बाद में इन्होंने गाड़ी की गाड़ी में डाल के यहाँ लेके आए। आपका जिला अस्पताल में भी कुछ आरोप था पुलिस मुलिस पर को लेके, वो क्या था, शराब वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा नाम संशोधन का वो था कि नाम से छत्रपाल की जगह चंद्रपाल हो गया था, उसको लेकर के विगत वो सही करवाया था। आपका? मेरा नाम दीपक धाकड़। दीपक जी कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? मैं सतनवाड़ा कोर्ट। क्या हुआ था ये, मतलब कौन मिला था आपको घायल? भैया मुझे पता नहीं है, मैं सुपरी से जा रहा था अपने घर, तो वहाँ रास्ते में पेट्रोल पंप पे मतलब 50 कम से 30-40 लोग खड़े थे। मेरे साथ एक सतनवाड़े का लड़का और था, छोटे बड़े सतनवाड़े का। मैं बोला नहीं भाई अपन इसको देख ले, गाँव बगल में पड़ता है पास में, उन्हें एक बार देख तो ले क्या समस्या क्या नहीं है मन की। तो देखा जैसे मैंने गाड़ी बंद करी, तुरंत कोई व्यक्ति बोला कि भैया ये तो धाकड़ है कहीं। मैं धाकड़ कौन है? मैंने कि मैं हूँ धाकड़। से बोले कहीं भैया यार कि गोपालपुर का धाकड़ है। मैंने गोपालपुर को भैया ने मुंह नंबर हैंगे, 2-4 लगा लूंगा। पर बाद में बोले कहीं ठीक है। फिर मैं उधर गया पास में, तो बोले कि जो महेशपुर का वो छत्रपाल धाकड़ है। मैं छत्रपाल को तो मैं जानता हूँ, मैंने देखा तुरंत उनके साले को फोन लगाया, वो एमपी पुलिस में गुनाह है सतीश धाकड़। तो इस बीच मतलब किसी अज्ञात वाहन ने मारी, क्या हुआ था इनके साथ? ये मुझे जानकारी नहीं है, जहाँ तक तो होगा तो ट्रक ही होगा या कोई गाड़ी वगैरह होगी। इनकी आसपास कोई गाड़ी वगैरह मिली थी? पेंट में नहीं, कोई गाड़ी नहीं। बाइक वगैरह? बाइक तो इन्हीं की थी, इन्हीं की डली हुई थी। ये क्या अकेले जा रहे थे क्या? ये तो अब जे मुझे पता नहीं है। अच्छा, जिला अस्पताल में अभी कुछ विवाद की स्थिति भी बनी है, वो किस कारण बनी थी? विवाद की स्थिति तो वो कोई नाम गलत लिख दिया था, अब उनका कंपनी का क्लेम व्लेम के चक्कर में बोले कि जब नाम तुमने पेन से सही किया तो उस पर सील ही लगा दो, क्योंकि अब सामने वाला तो खत्म हो गया, तो कम से कम क्लेम व्लेम में कोई कंपनी में तो कोई संशोधन मिल जाए फैमिली को। उस चक्कर में थोड़ा वो कोई थे वो तुम्हारे यहाँ में पुलिस वाले, वो शायद पी दारू वारू पी थे शायद। कहाँ के थे पुलिस वाले? अब मैं तो जानता नहीं, यही मेरे साथ में रहते थे। अच्छा, पता नहीं अस्पताल के ही ऐसे बोल रहे थे, मतलब ज्यादा अस्पताल के ही थे। हाँ, तो आपका जो समाधान हो गया है, जो नाम वगैरह क्या नहीं हुआ अभी? अब भैया से पता पड़ेगा, सर आ गए परिवार के, अब आ गए सब भैया वगैरह सब आ गए, चाचा ताऊ बड़े भैया आ गए, पिताजी आ गए।